क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 15 है आपका सांख्यिकी, उसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक प्रश्नावली 15.1 का कर चुके थे। आज के वीडियो में 9, 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। आपको पता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज के हम वीडियो में बाकी 2 टाइप जो बचे हुए हैं एक सबके वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 में क्या बोल रहे हैं, प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैं 9वां कर रहा हूँ, आप 10वां खुद से कराओगे। ठीक है, बाकी 11वां और 12वां दोनों मैं करवा दूंगा, लेकिन एक हम देख के जब एक खुद बनाते हैं ना तो बढ़िया होता है, आपको पूरा आ जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, डिक्टो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, ये देखो इसमें क्या चीज खासियत, आपको देखो वर्गंतराल दे रखा है। जो बाकी के क्वेश्चन हमने सीखे हैं ना, इनमें एक में आंकड़ा था, एक में x और f था, पहले में तो x था, दूसरे टाइप में x और f था होता है, तीसरे टाइप में आपका वर्ग अंतराल और f दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या मतलब f दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो मैं एनसीईआरटी को रखता हूँ साइड में, क्या हो रही है, एनसीईआरटी को रखता हूँ साइड में। अब मैं क्या करूँगा, फटाफट देख देख के इसके जितने भी एंट्री है वो फिल कर लेते हैं। आपको ना ये बनाने पड़ेंगे, ये कॉलम बनाना पड़ेगा माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए। क्या क्या, देखो बेटा सबसे पहले आपको देखो वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा, 7 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे वर्ग अंतराल, सिंपल, ठीक है, ये वाला कॉलम होगा वर्ग अंतराल का। दूसरा वाला जो कॉलम होगा वो होगा एफ का, सिंपल। उसके बाद एक्स का कॉलम होगा, उसके बाद एफ और एक्स की गुणा होगी, फिर डी आएगा माध्य विचलन, है ना, कि x में से x बार आपको माइनस करना होगा, फिर उसका मॉडुलस निकाल लेना है, यानी कि नेगेटिव का मान आया हो तो, और f की फिर आपको गुणा कर देना है इसके साथ। ये आपको 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब वर्गंतराल हम लिखते हैं, वर्गंतराल हमें दे रखा है बेटा 0 से लेके 100, फिर हमें दे रखा है 100 से 200, 200 से 300 कहाँ तक जा रहा है, 800 तक, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800 यहीं तक जा रहा है। ठीक है, सो ये वर्ग अंतराल मैंने लिख दिया प्रॉपर। किसी को भी बेटा कुछ भी डाउट हो, वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख लेना, फिर आपके मन में भी कोई डाउट दुविधा नहीं रहेगी। अब उसके सापेक्ष हमें बारंबारता दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3, ये हमें बारंबारता दे रखी है। एक्स निकालना आपको आता है, कक्षा 9-10 से सीखते आ रहे हो, क्या है, वर्गंतराल को जोड़ो और आधा कर दो, 0 और 100 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, 100 का आधा 50। अब देखो सब में अंतर समान है, 100-100 का अंतर 100-100 जोड़ते जाओ, 150, 250, 350, 450, 550, 650 और 750, ये आ जाएगा आपका x। अब आपको क्या करना है बेटा, f और x की गुणा करनी है। ठीक है, सो देखो 25 के 20, ये आ जाएगा 200, 15 8 120, मैं फटाफट गुणा करके लिख देता हूँ, यह आ जाएगा आपका 2250, यह आ जाएगा आपका 3500, यह आ जाएगा 3150। ठीक है, सीधे सीधे गुणा करना, सीधा सीधा इसके इसके, अब इससे इसके, अब इससे इसके गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2750। ठीक है, फिर 65 चौके क्या होता है, 260, पीछे से एक ज़ीरो, 75 3 225, पीछे से एक जीरो। अब क्या करना है बेटा ना, क्योंकि माध्य निकालना है हमें, एक्स बार निकालना है, आपको पता है माध्य, माध्य एक्स बार सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ पढ़ा है ना, तो आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, इन सबको जोड़ना है, एफ एक्स जो भी है इन सबको जोड़ दो। अब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 179 00, ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इन सबको जोड़ो,
सिग्मा एफ आपका आ रहा होगा जोड़ने पे सबको टोटल 50, इसे हम सिग्मा क्या बोलते हैं बेटा, एफ बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ को हम जनरली एन भी बोलते हैं, जो आपको सही लगे वो बोल सकते हैं। अब कैलकुलेट करो, 17900 बट्टे में 50, 1060 कटा, 5 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 5, 15, 3, 5, 25, 25, 40, ठीक है। तो आंसर एक्स बार आ जाएगा 358। अब आपको ये वाला कॉलम हल करना है, मतलब हर एक एक्स में से आपको 358 घटाना है, ठीक है। 50 में से 358 घटाओगे, हर एक एक्स में से आपको 358 घटाना, 50 में से 358 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 308। 150 में से 358 घटाओगे, माइनस के 208 आ जाएगा। अब क्योंकि 100-100 का अंतर है, 100-100 जोड़ते जाओ, फिर आपका आएगा 108 माइनस का, फिर 100 जोड़ोगे तो आएगा माइनस के 8, फिर 100 जोड़ोगे 92, फिर 100 जोड़ोगे 192, फिर 100 जोड़ोगे 292, फिर 100 जोड़ोगे 392। एंट्रीज भी देख लेना कितनी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ओके, अब क्या है बेटा, मॉडुलस निकालना है, मतलब जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लिख दो और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखो, सिंपल। और कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपको पेन से ही करना है, कैलकुलेटर से करोगे तो कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी, वो आदत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। अब आपको ये जो भी आया है ना, उसको आपको F से गुणा करना है, 308 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1232, फिर आपको 208 को 8 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 1664। ये चीज़ मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है ताकि टाइम बर्बाद ना हो। फिर 108 को 9 से गुणा करना है, 972, फिर 10 को 8 से गुणा करना है, 80, ठीक है। फिर 92 को 7 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 644, ठीक है। 192 को 5 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 960, 292 को गुणा करना है 4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1168, और फिर 392 को 3 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 1176, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको ये जब मिल जाएगा ना, क्या करना है बेटा, इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है। तो इन सबको जब जोड़ोगे ना, इसका आपको समेशन चाहिए होगा, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। शॉर्टकट में अंग्रेजी में बोलते हैं MD। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे में सिग्मा एफ, जिसे हम एन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ रहे होगे तो आपको मिलेगा 7896, सॉरी, ठीक है, ये नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये नहीं है। तो जब हम जोड़ देंगे, एक बार कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 1000 इतना इतना, हाँ सही है, 7896 ही आएगा, कैलकुलेशन जो मैंने किया था सही है। अब हम ये मान यहाँ उठा के रख देंगे, 7896 और बट्टे एन, एन कितना है बेटा, 50, ठीक है। सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ मेरा 50 है, 50 से भाग दे दो। इसका एक ट्रिक ये भी है, 7896 बट्टे 5 गुणा 10 कर दो, पहले क्या करो बेटा, 5 से भाग दे दो, तो जो तुम 5 से भाग दोगे ना तो ये आएगा 1, एक बार इतना आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में 10, 10 है तो दशमलव एक स्थान के बाद लगेगा, और तो 15, या ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, हमने कौन सा किया, 9 किया, ठीक है, जो कि हमने आराम से बन गया, एकदम डिक्टो, एकदम डिक्टो, बस नंबर्स अलग है, ये 10वां आपसे आराम से हो जाएगा,
जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया डिक्टो वैसे क्वेश्चन नंबर 10 करना, और मुझे कमेंट में आंसर बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और ये समझ में आया है कि नहीं वो भी बताओ। अगर नहीं आया बेटा किसी भी पॉइंट पर डाउट या दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11-12 भी मैं अगर चाहता तो वो तब बोलता है कि एक मैं कर रहा हूँ एक आप करो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। है तो बेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर। देखो 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, ये पहला वाला आसान है जबकि, लेकिन दूसरे वाले में भी आसान है लेकिन एक अंतर है। 20 पे खत्म हो रहा है तो 20 से शुरू नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपने कक्षा 10 में किए होंगे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये वर्गंतराल है, ये लड़कियों की संख्या यानी कि एफ दे रखा है। इसका हमें क्या करना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। माध्यिका के सापेक्ष, ये ध्यान रखिएगा। सो प्रॉपर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। सो देखो बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रखेंगे साइड में और जो भी आपकी एंट्रीज है वो फटाफट फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो एंट्रीज क्या क्या है वो रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा बेटा आपका वर्गंतराल, ठीक है। वर्गंतराल के बाद फिर कॉलम आएगा आपका एफ का, ठीक है, क्योंकि माध्यिका है। सी एफ निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता का कॉलम आएगा। उसके बाद आपको एक्स भी चाहिए होगा, फिर आपका डी वही आ जाएगा। क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस एम, माध्यिका के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो एम लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इसका हम देंगे मॉडुलस, और फिर हम गुणा कर देंगे एफ की और एक्स आई माइनस एम की। बाकी तो सेम चीज़ें होती है। वर्गंतराल लिख लेते हैं बेटा फटाफट, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एफ क्या दे रखा है देखो बेटा, 6 दे रखा है, 8, 14, 16, 4 और 2। संचय बारंबारता आपने निकालना सीखा ही होगा कक्षा 10 में। पहला वाला वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, फिर 6 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अब इसमें जोड़ते हैं ना 14 आ जाएगा, 14 और 14 28, 28 और 16 ये हो जाएंगे 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50, ठीक है। तो जो आपका ये 50 है, यानी कि इस अगर इन सबको तुम जोड़ोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें कितना मिल रहा होगा, 50। 50 को सिग्मा एफ बोलते हैं और सिग्मा एफ को हम एन बोलते हैं। एन ही लिखना क्योंकि माध्यिका में आपको एन चाहिए होते हैं। अब ये चीज़ आ गई, अब यहाँ तक तो आ गए। एक्स भी निकाल लोगे आप आराम से, 0 और 10 को जोड़ लोगे, 10 आएगा, 10 का आधा 5, सब में 10 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते रहो, 10 में 5 में 10 जोड़ोगे तो आ जाओ 15 25, तीसरे में 25 और यहाँ हो जाएगा 35 45 55, ठीक है बेटा। ये चीज़ तो आ गई। अब आपको एम निकालना है, माध्यिका की निकालनी है, माध्यिका। उसके लिए क्या करना होता है, सूत्र आपको पता ही होगा, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस के सी एफ बट्टे एफ गुणा एच। कक्षा 10 में पढ़ा होगा, भूल गए हैं तो फिर से याद दिला दे रहा हूँ, और इसको याद करके लिख लो कॉपी में, ठीक है बेटा। अब आपको क्या चाहिए होता है इसके लिए, एन बाई 2 यानी कि 50 बट्टे 2 यानी कि 25 से ज़्यादा। कहाँ ढूंढना है आपको, सी एफ। 25 से ज़्यादा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जस्ट पहला वाला जो ज़्यादा आएगा, 25 से जस्ट ज़्यादा, ये 28, ठीक है। तीसरे लाइन में आ गया, तो तीसरी लाइन पर अंडरलाइन कर दूँ। ये 14 जो दिख रहा है ना बेटा, ये मेरा एफ आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरी माध्यिका वर्ग हो जाएगी इसी के सामने, ठीक है। ये माध्यिका वर्ग हो गई, और जिस लाइन में हम 25 से ढूंढ रहे थे इसी लाइन में आपको एफ मिला, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये आपका क्या होता है, सी एफ, पढ़ा होगा कक्षा 10 में आपने, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, एल होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और 20 का अंतर क्या है, 10 10 का अंतर है। तो देखो बेटा एच हमारे पास 10 है, ठीक है, एल हमारे पास 20 है, और एफ हमारे पास 14 है, और सी एफ हमारे पास वो भी 14 है, ठीक है, वो भी 14 है। तो दोनों चीज़ 14 14 आ गई। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। देखो बेटा हम
हल करने पे आ जाते हैं। एल एल कितना दे रखा है, बट दे नहीं रखा, हमने निकाला है 20, ठीक है। फिर एन बाई टू 25 आया था, सी एफ कितना है बेटा हमारा 14 आया है, एच कितना है बेटा 10 का अंतर है, और एफ कितना है वो आया हमारा 14, ठीक है। 20 और 25 में 14 घटाएंगे 11, 11 दाई 110 है ना, और बट्टे में कितना है 14, काटो 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10, 7 से भाग दो इसको, 7 49, ये आ गया, तो ये आ गया 20 10, प्लस दशमलव के दो स्थान तक ही लेना, ये आ गया ठीक है, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27.85, ये मेरा एम आ गया जो कि आपको चाहिए था। मतलब अब क्या करना है हमें, हर एक एक्साई में से, हर एक एक्साई में से आपको 27.85 घटाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, हर एक एक्साई में से आपको 27.85 घटाना है। एक्स कहाँ है, 5 में से 27.85 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 22.85, ठीक है। अब 10 10 का अंतर, 10 10 जोड़ते जाओ तो ये आपकी बार आ जाएगा माइनस के 12.85, और 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2.-8.5, इसमें 10 जोड़ोगे ठीक है तो आ जाएगा 7.15, इसमें 10 जोड़ोगे ठीक है तो ये आ जाएगा 17.15, इसमें 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 27.15, क्योंकि 10 10 का अंतर है, ठीक है। अब मॉडुलस लेना पड़ता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में लिखो, 22.85, 12.85, 2.85, 7.15 था ठीक है, 17.15 और फिर 27.15। अब जो भी आया है उसको F से गुणा करना है, ये F दिख रहा है ना, 22.85 को 6 से गुणा करना है, ठीक है। सो आंसर मैंने पहले ही गुणा करके रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ 137.10, गुणा करना आता होगा। 12.85 को जब 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 102.80, इसको जब 14 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 39.90, ठीक है। फिर आप जब गुणा करोगे 7.15 को 16 से तो ये आपका आ जाएगा 114.40, ठीक है। उसके बाद 17.15 को जब 4 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 68.60, और 27.15 को जब 2 से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 54.30, ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब इन सब को आप जोड़ देना है, इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 517.10, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन अगर मैं आपके सामने करता तो टाइम वेस्ट होता, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि गुणा भाग तो वो आपको आता ही होगा। अब आपको निकाल देना है, अब तो आसान हो गया, माध्य का के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एम बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है, यही होता है। तो ये आया है आपका 517.14 बट्टे में कितना है बेटा 50, ठीक है, ये जा गई। इसके पीछे ये 50 से भाग देना है, तो जब 50 से इसको भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.342, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, इससे पहले हमने सीख लिया था माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में इस प्रश्नावली के। सो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में डिफरेंस है सिर्फ वर्ग अंतराल का। तो देखो जब वर्ग अंतराल का डिफरेंस है तो उसको हमें कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। सो पहले जो नॉर्मल पर, इसके लिए कॉलम कैसे बनाना है ये टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर तो लिखोगे बेटा वर्ग अंतराल, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में बता रहा हूँ अपवर्जी, अपवर्जी विधि,
जो खराब वर्गंतराल, जो वर्गंतराल ठीक नहीं है उसको सही करके लिखना है। और उसके बाद इस तरफ जो होता है बेटा उसे लिखते हैं समावेशी, और जो पहले से ही है समावेशी। हमें क्या दे रखा है 16 से 20, ठीक है, जो वर्गंतराल हमें दे रखा है देखो वो पहले लिख लेना 16 से 20 ये सब, तो 16 से 20। फिर हमें दे रखा है 21 से 25, फिर 26 से 30, 31 से 35, फिर 36 से 40, फिर 41 से 45, फिर 46 से 50 और फिर 51 से 55। ठीक है बेटा, वर्गंतराल नहीं है। अब लॉजिक क्या है, क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसके लास्ट में और इसके फर्स्ट में देखो घटाओ, 21 माइनस 20 कितना आ गया 1, जितना भी आएगा उसको 2 से भाग दे दो तो ये आएगा 0.5। जो अंतर आता है ना वो वर्गंतराल में एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, पहले वाले से घटाना है और दूसरे वाले में जोड़ देना है। किसी को 1 रुपये दे रहे हो और 1 रुपये ले ले रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले वाले से अंतराल से घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। तो देखो ये आ जाएगा 15.5 और ये हो जाएगा 21.5, इससे जब घटाओगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इससे जब घटाएंगे, एक सेकंड, ये 20 है ना, 21.5 क्यों लिख दिया मैंने, 20.5, हाँ इससे जब घटाएंगे ये हो जाएगा 21.5, देखो जहाँ से ख़त्म हुआ था वही शुरू हो रहा है, और ये हो जाएगा 25.5, ये वाला 25.5, 3.5, 3.5, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, 45.5, ये हो जाएगा 50.5, 50.5, 55.5। ठीक है बेटा, उसके बाद जो कॉलम आएगा, ठीक है, वो एक कॉलम होगा आपका एफ का जो कि आपको दिया हुआ है, दूसरा आएगा संचयी बारंबारता का, ठीक है, सी एफ लिख सकते हैं आप इसे। उसके बाद मध्य बिंदु जो निकालते हैं एक्स का कॉलम आएगा, उसके बाद डी का कॉलम आएगा जो कि होता है एक्स आई माइनस एम, उसके बाद मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, और उसके बाद जो होता है एफ एक्स आई माइनस एम, ये कॉलम होते ही हैं। एफ आपको दे ही रखा है 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी एफ निकालना है संचयी बारंबारता, पहला वाला वैसे का वैसे लिखते हैं, 5 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 11, 11 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 23, 23 और 14 कितना हो जाएगा 37, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 37 और 26 63 हो जाएगा, 63 और 12 75 हो जाएगा, 75 और 16 91 हो जाएगा, और 91 और 9 100 हो जाएगा, सही है कैलकुलेशन। अगर आप तुम इन सब को जोड़ के देखोगे ना तो यहाँ 100 आएगा, जिसे हम एन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। सो देखो अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, सो देखो 20 और 16, 36, इसको मत जोड़ना यहाँ जोड़ना, 20 और 16 को जोड़ोगे 36, 36 का आधा कितना होता है 18, ठीक है, कितना होता है 18। अब कितने कितने का अंतर है सब में, अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने कितने का अंतर है, 5, 5, 5 का अंतर है, देखो 5, 5 का अंतर है ना, अंतर यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको, यहाँ से घटाओगे तो 4 दिखेगा, यहाँ से घटा के देखना अंतर, यहाँ से चेक करना है 5, 5 का अंतर है, 5, 5 जोड़ते जाओ 23, 28, 33, 38, 43, 48,
ठीक है। अब आपको m घटाना है तो m आपको निकालना पड़ेगा पहले, है ना। m बोले तो माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। माध्यिका का सूत्र अभी मैंने बताया था, n बट्टे दो माइनस के सी एफ गुणा एच बट्टे एफ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, n बट्टे दो 100/2 बोले तो 50 से ज़्यादा, आपको कहाँ ढूंढना है, सी एफ में, ये लॉजिक है। तो 50 से जस्ट ज़्यादा तो बेटा ये हो रहा है 63, कौन सी वाली लाइन पे, चौथे यहाँ पे आ जाएगा। अरे यार ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया क्या, ज़्यादा नीचे लग रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 63 यहाँ पे आ गया, चौथे लाइन पे आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 तो ये चौथा होगा ना, देख रहे हो, ठीक है। पेपर चेक कर लेते हैं, 5, 6, 12, 14 ठीक है, उसके बाद 26, 12, 16, 9 ठीक है, 5, 11 कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8 3, 3, 6, 2, 8 ठीक है, सी एफ तो ठीक है, 50 से जस्ट ज़्यादा 63 आया चौथे लाइन पे, 1, 2, 3, 4 ठीक है ना, 63 चौथे लाइन पे है। तो हमसे गड़बड़ क्या हो रहा है, इसी सीध में जाना है ना हमको, एफ हमारा क्या आ जाएगा, 26, बाकी सब कुछ तो सही आ रहा है, ठीक है ठीक है। सो देखो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एफ, इसके ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, ये हमारा आ गया माध्यिका वर्ग, ठीक है, ये वाला हमारा क्या आ गया माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग क्या बेटा निम्न सीमा, एल हमारे पास है 35.5 और एच मैंने बोला था इनके बीच का अंतर 5 आ रहा था, फिर हमारे पास जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 26 और सी एफ जो हो जाएगा वो ऊपर वाला 37 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से देख लेंगे, मान रखो यहाँ पर एल, एल का मान है 35.5, एन बट्टे दो 50, सी एफ का मान 37, एच का मान 5, एफ का मान 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 35.5, 50 में से आप 37 घटाओगे 13 आ जाएगा, बट्टे 26, 13 × 26 ये आ जाएगा 2.5, भाग देने पर 35.5 में 2.5 जोड़ोगे तो m का मान कितना आ जाएगा 38, m का मान कितना आ गया 38। अब आपको हर एक xi में से 38 घटाना है, x कहाँ दिख रहा है, 18 में से 38 घटाओगे, है ना, 18 में से 38 घटाओगे सीधा सीधा पता चल जाएगा 20 आ जाएगा माइनस का, 5-5 का अंतर है, 5-5 जोड़ते रहो, -15 -10 -5 5 जोड़ोगे 0 ठीक है, फिर 5 फिर 10 फिर 15 ये आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, जो नेगेटिव में उसको पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस चीज को एफ से गुणा करना है, ये एफ है, 20×5 = 11 ठीक है ना, सॉरी 11 कहाँ है, 15 है 15×6 90 देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, ये हिसाब हो जाएगा, 12 × 2 = 120 14×70 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दे 0, 12×5 = 60 16×1 = 16 और 15×9 = 135 ठीक है बेटा। अब इन सब को आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, इन सब को जब जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 735। बस हमारा काम हो गया, क्या निकालना है बेटा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, MD,
है ना, एम डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या होगा सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एम बट्टे सिग्मा एफ, या जिसे हम एन बोलते हैं, यह है 735 भाग देना है 100 से, 20 यानी कि दशमलव दो स्थान के बाद 7.35 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद वाला प्रश्न और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ढेर टाइप के क्वेश्चन करेंगे 17.2, ठीक है, इसके बाद मिल जाएगा आपको। और क्लास 12 की मैथमेटिक्स ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट है, नए सेशन पे नए वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे नए टाइप्स के।